ये इस बार जो आएगी ना ईवीएम को हटाने के लिए, ये बवंडर नहीं सुनामी आएगी और अब कई इसमें सारी जो ईवीएम है ना सब बह जाएंगी। ये आरटीआई है जो इलेक्शन कमीशन को लगाई गई। बीएल के पास गए तो बीएल बेंगलोर यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर, उसको जवाब जब मांगा तो उसने ये जवाब दिया, 140 करोड़ भारत के नागरिकों के साथ ये बहुत बड़ा धोखा उनकी पीठ में छुरा फूंका जा रहा है कि जो आप जिससे कर रहे हैं कोई उसका डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। तो सरकार की संस्थाएं ईवीएम बना रही हैं, सरकार की संस्थाएं वीवीपैट बना रही हैं और सरकार कोई सर्टिफिकेट भी उसके लिए दे नहीं रही है। सारे देश के लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का घेराव करने चलेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। नमस्कार, मैं नूरजा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह, जो लगातार ईवीएम को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। फिर आज एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने फिर से ईवीएम को लेकर तमाम चीजें बताई हैं। संक्षिप्त में उनसे सीधे तौर पर जान लेते हैं। तो उसे अपना काम करने दो, हमें अपना काम करना है, लेकिन जब सुनामी आती है ना तो किसी भी बाधा से रुकती नहीं है बल्कि सारी बाधाओं को तोड़ते हुए चलती चली जाती है। तो क्या कानून ये इस बार जो आएगी ना ईवीएम को हटाने के लिए, ये बवंडर नहीं सुनामी आएगी और अब कई इसमें सारी जो ईवीएम है ना सब बह जाएंगी। चिंता न करो आप, 24 तारीख है जिसका इतने दिनों से इंतजार किया जा रहा था, इतनी हाइप थी आपने की कुछ बड़ा खुलासा करेंगे, कुछ नया लेकर आएंगे। संक्षेप में बता दीजिए कि क्या नई चीजें जुड़ गई आंदोलन। देखिए, बहुत सीधी सी बात मैंने कहा था और मैंने आपको पूरे प्रमाण सहित बताया और मैंने आपको बताया कि आरटीआई के माध्यम से हमारे जो साथी हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन से 18 सवाल पूछे। उन बाकी 18 सवालों में एक जो 18वां सवाल है सबसे लास्ट का, मैं उसकी चर्चा करता हूं और उसमें यह था इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि भाई जो ये आपकी ईवीएम और वीवीपैट मशीनें हैं क्या ये कहीं से सर्टिफाइड है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का कोई ऐसा विभाग हो, कोई ऐसी संस्था हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी संस्था हो जो इसको सर्टिफाइड करती हो इन मशीनों को। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये मामला तो बीईएल का है और ये मामला तो ईसीआईएल का है, दोनों जो है बिल्कुल अलग संस्थाएं, उनसे पूछो जाके, वो बताएंगी। आरटीआई में उनसे पूछो आप, कोई बात नहीं, हमारे साथी उनके पास चले गए। तो बीएल से पूछा तो बीएल ने क्या जवाब दिया, ये आरटीआई तीनों आरटीआई हैं, देखिए ये, हाँ बिल्कुल ऊपर करके दिखाऊंगा, ये देखो ये आरटीआई है जो इलेक्शन कमीशन को लगाई गई, ये वाली, ये आरटीआई है जो इलेक्शन कमीशन को लगाई गई थी। इसमें जो 18वां सवाल है ये पीछे, ये वो सवाल है जिसमें पूछा कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है इसका, और इसके बाद जब उन्होंने कह दिया कि उनसे पूछो जाके तो हम बीएल के पास गए, तो बीएल बेंगलोर यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर, उसको जवाब जब मांगा तो उसने ये जवाब दिया और जवाब है उसका इस पेज पर 18वां सबसे नीचे। वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई हम तो केवल मशीनें बनाते हैं ईवीएम और वीवीपैट, और वो भी जो इलेक्शन कमीशन की स्पेसिफिकेशन आती है उसकी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी से जो वो कहती है हम तो उसको बनाते हैं और वही आके उसका इंस्पेक्शन करती हैं, हमारा तो इतना ही काम है। उसने नहीं बताया कि कोई सर्टिफिकेट है या नहीं है। अब तीसरी ये बात लगाई गई, हमने जो आरटीए लगाई तो हमने लगाई ईसीआईएल के पास, ईसीआईएल की ये है जो आरटीआई है, ईसीआईएल की। तो ईसीआईएल ने कहा, उससे जब पूछा कि सर्टिफिकेट भैया कोई है, ईसीआईएल कहता भैया सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं है, वो सीधे सीधे कहता है कि भाई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इज डन बाई एसटीक्यूसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तीसरी पार्टी केवल इंस्पेक्शन करती है, वो आके जो एसटीक्यूसी है संस्था भारत सरकार की,
ये इंस्पेक्शन करती है बस, उसने नहीं कहा कि ये सर्टिफिकेट देती। मतलब ये मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, आप बाजार से कोई चीज लेने जाओ खाने की, तो खाने की चीजों का एक स्टैंडर्ड है, उसके लिए सरकार ने एक विभाग बनाया हुआ है, वो सर्टिफाइड करता है, देन उसकी बाकायदा मोहर होती है उस पर लगी हुई लेबल पे, और उसके बाद में व्यक्ति जाता देख ले भाई हाँ यही है। तो खाने पे क्या होता है, FSSAI। और अगर सोना लेने जाओ हॉलमार्क देखा भाई, जो 100% प्योर होगा क्या है, हॉलमार्क। और आप और कोई लेने जाओ जैसे प्रेशर कुकर लेने जाओ या कोई और मशीन, उस तरीका तो ISI, ये सब होता है। तो ये जो है, और इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है उनके लिए है BIS, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम से कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। किस व्यक्ति ने बनाई, कोई चीज इजाद करता है, ये आपका कैमरा है, मोबाइल है, कुछ भी है, जो व्यक्ति बनाएगा वही उसका मालिक है ना, बनाने वाला, उसका नाम होना चाहिए, उसके नाम से पेटेंट होना चाहिए ना, कोई नहीं जवाब है। उसके बाद में उस व्यक्ति के अलावा जैसे जैसे आप यूज करें कोई टेक्नोलॉजी कुछ कहीं से कुछ होना, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। 140 करोड़ भारत के नागरिकों के साथ ये बहुत बड़ा धोखा उनकी पीठ में छुरा फूंका जा रहा है कि जो आप जिससे कर रहे हैं कोई उसका डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। और दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि षड्यंत्र क्या है, ये जो ECIL है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर है, भारत सरकार का उपक्रम है। और इलेक्शन कमीशन क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। इलेक्शन क्या होने चाहिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से होनी चाहिए, इसीलिए इलेक्शन कमीशन को इतना पावरफुल और इंडिपेंडेंट बनाया गया अनुच्छेद 224 के तहत, उसको जो अधिकार दिए गए वो इसीलिए दिए गए हैं कि कहीं कोई भी किसी तरह का, क्योंकि जो सरकार है सरकार के पास ताकत, और सरकार में, सरकार का अगर कहीं उसमें इंटरफेरेंस रहेगा तो सरकार अपने हिसाब से सारा काम करेगी। यहां तो ये सारी जो मशीनें बनाई जा रही हैं किसके माध्यम से बनाई जा रही हैं, सरकारी के माध्यम से, सरकार की संस्था है। और दूसरी BEL वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, वो काम कर रही है। तो सरकार की संस्थाएं EVM बना रही हैं, सरकार की संस्थाएं VVPAT बना रही हैं, और सरकार कोई सर्टिफिकेट भी उसके लिए दे नहीं रही है। मतलब ये है इलेक्शन कमीशन और सरकार आपस में पूरी तरह से मिले हुए हैं, यही षड्यंत्र है कि दोनों मिलके आप अलग नहीं कर सकते कि इलेक्शन कमीशन क्या है और सरकार क्या है, दोनों आपस में मिले हुए हैं और ये सब मिलके ये सारा का सारा खेल लगातार कर रहे हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन चारों तरफ भाग रहा वो मशीनें लेके दिखाने के लिए, हमने जब उसका प्रदर्शन किया उसके बाद में, अन्यथा इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए। बैलेट पेपर को बनने में कितने दिन लगते हैं, बैलेट पेपर मात्र 8 दिनों में छप जाता है, मात्र 8 दिनों में। नॉमिनेशन वापस लेने की, यानी नाम वापस लेने की जो आखिरी तारीख होती है, उसी दिन शाम को 3 बजे के बाद लिस्ट बनती है कि अब कौन कौन लोग मैदान में रह गए, यानी कौन कौन कैंडिडेट हैं, और उनके लिस्ट बनने के बाद में उनको सिंबल अलॉट किए जाते हैं। जो पार्टियां हैं, रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं, नेशनल स्टेट, उनके अपने सिंबल होते हैं, बाकी जो इंडिपेंडेंट होते हैं उनको सिंबल अलॉट किया जाता है, और शाम को 5 बजे के आसपास पूरी लिस्ट हो जाती है कि ये कैंडिडेट है, ये इनका सिंबल है, और उसके बाद बैलेट पेपर छपता मात्र 8 दिनों में। ये मशीनें सालों से, प्लीज, ये मशीनें सालों से बनती हैं, बनती कहां है, सरकारी फैक्ट्रियों में, और उनमें यहां से वहां तक ले जाने में सब कुछ उनका। और इसके अलावा ये सारे के सारे जो लोग हैं जो काम करते हैं इनमें, मैक्सिमम जो कंपनियों में जो लोग हैं वो आउटसोर्स के, यानी प्राइवेट लोग हैं, यानी सरकार में जो बैठे हैं वही छटे हुए बेईमान हैं। देश में जिस ये जो मशीनी काम करती है, क्या किसी का भरोसा है उस पर कि वो ईमानदार होगा? इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए देश की जनता की गर्दन काटने में जरा सी देर नहीं लगाते। तो प्राइवेट कैसे आप उन पर विश्वास कर लेंगे, प्राइवेट कैसे वफादार हो पाएगा? और जबकि इलेक्शन का प्रोसेस पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए। यह है सारा घालमेल घपला, यह षड्यंत्र है, इसीलिए EVM नहीं हटाना चाहते। सर, आपकी लड़ाई PM हाउस का घेराव करने की मांग करी आपने, मेरी समझ में ना आपका सवाल आया नहीं। सर, आपकी लड़ाई घेराव करने की मांग करी आपने, कोई सहभागिता है
देखिए विपक्षी पार्टियां आज नहीं तो कल उन्हें साथ में आना ही पड़ेगा, हालांकि ये सवाल आप उनसे पूछते, पर विपक्षी पार्टियों को आना ही पड़ेगा क्योंकि लड़ाई सबकी है, और विपक्षी पार्टियां अगर नहीं आएंगी तो देश की जनता माफ उन्हें भी नहीं करेगी, क्योंकि अगर देश बर्बाद होता है और ये चुनाव ईवीएम से होता है तो इसमें विपक्ष भी उतनी ही भागीदार होगी जितनी बीजेपी या सरकार, इसलिए विपक्ष को आना ही पड़ेगा। आपने 25 फरवरी को पीएमओ को घेराव का भी ऐलान कर दिया है, 2 तारीख का ऐलान किया है। हाँ बिल्कुल, नहीं जब लड़ना ही है तो फिर उसी से लड़ना है जिसके सामने सारी चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से सब कुछ हो रही है, तो इसलिए हमने 25 फरवरी की जो हमने डेट निश्चित की है वो 25 फरवरी को हम लोग मंडी हाउस से इकट्ठा होंगे और वहां से सारे देश के लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का घेराव करने चलेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। ये हमने डेट तय की 25 फरवरी की। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह, इन्होंने सीधा बता दिया है कि 25 फरवरी को ये पीएम का घेराव करने वाले हैं। अब देखना ये है कि किस तरीके से ये घेराव करेंगे, क्योंकि जब जब प्रदर्शन करते हैं इनको रोक दिया जाता है, तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।